नमस्ते दोस्तों, मैं प्रेम आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ देसी इलेक्ट्रॉनिक। तो आज के इस वीडियो में मैंने वायरलेस ईयरफोन बनाया है, जिस तो आपके घर में जो होता है बहुत सारे हेडफोन जो है खराब पड़े होते, क्योंकि किसी का जो है जैक टूट जाता है, किसी का हेडफोन का कुछ भी प्रॉब्लम हमेशा आते रहता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सबसे अच्छा सोल्यूशन जो लाया हूँ वायरलेस यहाँ पे बनाने के लिए। ठीक है, यहाँ पे वायरलेस जो है ईजिली बना सकते हैं, कुछ इस टाइप से आपको दिख रहा होगा। तो इसको जो है वीडियो लास्ट तक देखना होगा कि कैसे ये बनता है। बहुत ही आसान यह बनता है, बहुत आसान से, बट आपको समझना कुछ आसानी से होगा। और जितने भी सामान का इसमें यूज किया होगा सभी का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, तो आप लोग जो है जाके उसमें खरीद सकते हैं, यानी खरीदना हो तो खरीद सकते हैं, नहीं तो आपको लोकल मार्केट में जो मिल जाता है इजीली आसानी से कोई भी सामान इसमें मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें ऐसे सामान लगाया गया। तो यहाँ पे वीडियो के जो है लास्ट तक देखिएगा जिससे आप सभी को पता चल जाए। तो चलिए वीडियो को जो है शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आपको एक पीवीसी का पाइप का टुकड़ा लेना होगा। इसके लिए आप पीवीसी पाइप ले लीजिए, उसको जो है कट कर दीजिए, सिंपली कट हो जाएगा। ठीक है, कट करना आसान है। उसके बाद जो है इसकी सीट बनानी हो, सीट बनाने के लिए बीच से कट कर दीजिए। कोई भी आपको पाइप का जो है सीट बनाना ऐसे ही आसान रहता है। छोटा सा टुकड़ा लीजिए, उसको बीच से कट कर दीजिए। उसके बाद जो है गर्म उस पर हवा दीजिए या फिर गैस पर गर्म कीजिए, कोई भी चीज़ कीजिए, आपकी मर्जी। ठीक है, तो मैं यहाँ पर हॉट गन से कर देता हूँ, क्योंकि इससे जो होती है थोड़ी आसानी होती है। ठीक है, और गैस के लिए आपको जाना पड़ेगा घर पर, तो यहाँ पर इससे आसानी से करके कोई प्लेन चीज इस पे रख रख के थोड़ा प्लेन कर दीजिएगा। ठीक है, तो कुछ इस हिसाब से मैंने कर दिया हूँ कंप्लीट। तो आगे जो है कट करना होगा, क्योंकि एक छोटा सा बॉक्स बनाना होगा। आप जो है इससे छोटा बनाया, मैंने बड़ा बना दिया था, क्योंकि बाद में मैं देखा तो थोड़ा बड़ा था, तो इसको आप छोटा बॉक्स जो है बना सकते हो। तो चारों एरिया के लिए कट कर सकते हैं और स्ट्रेच पेपर से फिनिशिंग अच्छे से दे सकते हो। ठीक है, तो चलिए आगे की काम करते हैं। अब जो है यहाँ पे बॉक्स बनाएंगे। बॉक्स बनाने के लिए आपको फेविक्विक का इजीली जो है यूज करना है। ठीक है, ये सभी मैंने हमेशा बनाता रहता हूँ, इसलिए इसे फास्ट दिखा रहा हूँ आप सभी को। आसानी रहता है बनाना, बस आप फेविक्विक दीजिए, उस पर रख दीजिए, उसी टाइप में आपका चिपक जाता है ईजिली। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा स्टेप रहता है उसमें स्ट्रेच पेपर से हल्का हल्का जो है घस दीजिएगा, ईजिली काम खत्म हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है अभी देख पा रहा हूँ कि चार्जिंग जो है सॉकेट लगाना है। ठीक है, चार्जिंग मॉड्यूल उसे कहा जाता है। चार्जिंग मॉड्यूल लगाने के लिए उस आकार में आपको पहले पीवीसी थोड़ा जो है कट करना पड़ता है, उस हिसाब से मैं कट कर देता हूं। ठीक है, कट करने के बाद ये जो है उस हिसाब से अच्छा लगता है। ठीक है, तो मैं कट करके लगा देता हूं। तो यहां पे जो है बॉक्स जो होने वाला है कंप्लीट। ठीक है, तो यहाँ पे बॉक्स जो है कंप्लीट हो गया है। तो कुछ इस प्रकार से बॉक्स और सारा सामान आपको दिख रहा है। ठीक है, तो इसको डबल टैप से सभी चीज़ को चिपका देंगे। इसमें आपको स्विच, बैटरी, चार्जिंग मॉड्यूल और ब्लूटूथ मॉड्यूल इतने चीज़ की काम आएगा, और एक खराब हेडफोन इसमें यूज आएगा। तो डबल टैप जो है इसमें लगा के अच्छे से कर देगा, क्योंकि डबल टैप जो होता है ना पीछे घस के नहीं देगा ना आगे आने देता। ठीक है, इसलिए सॉकेट में डबल टैप का यूज़ कीजिए। अगर पीछे कोई भी चीज़ है तो सॉकेट तब डबल टैप मत यूज कीजिए, नहीं तो शॉर्ट होता है। तो इसमें आराम से कर सकते हैं, इस सभी पीछे कुछ नहीं रहता, प्लेन रहता है। ठीक है, तो यहां पे जो चार्जिंग मॉड्यूल वर्क कर रहा है, आगे जो है आगे काम करते हैं। आगे जो है आपको खराब एक हेडफोन लेना पड़ेगा, उसका जो दोनों स्पीकर निकालना होगा। सिंपली जो है आप खोल के निकाल सकते हैं, इसे निकालना बहुत ही आसान है। ठीक है, तो मैं निकाल लेता हूं। यहाँ पे निकालने के बाद कुछ इस टाइप से आपको दिख रहा होगा, इसमें जो है चार तार रहता है। ठीक है, दो उसका रहता है, दो उसका रहता है, मतलब दो इसमें रहता है, दोनों का लेफ्ट राइट का रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली एक को जो है कॉमन रहता है, जो कि व्हाइट वाला हमेशा कॉमन रहता है। ठीक है, तो इसको जो है ऐसे ही रखना है जिससे सोल्डिंग कर देंगे, और दो तार जो है उसमें सिंपली आपको सोल्डिंग करना होगा। दो, एक लेफ्ट का रहता है, एक राइट का रहता है। ठीक है, एक कॉमन रहता है। तो यहाँ पे जो है चार्जिंग मॉड्यूल पर बैटरी जो है लगा देना है। इसमें बैटरी लगाने के लिए आपको सिंपली उस पर लिखा हुआ रहता है, आप इजिली समझ सकते हैं, नहीं तो मैं बाद में थोड़ा बता दूंगा। तो इस पर लिखा क्या रहता है, आपको प्लस आउटपुट लिखा रहेगा और इनपुट लिखा रहेगा। तो इनपुट जो होता है बीच वाला होता है, बीच वाला माइनस प्लस कर दीजिएगा और बाहर उसी के बगल में रहेगा आउटपुट। आउटपुट का एक माइनस इधर से रहता है, एक माइनस उधर से रहता है। तो आप वो दोनों बगल से जो है सॉल्डिंग ईजिली जो है कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद तार कट करके इसे जो है लगाना आपको ब्लूटूथ मॉड्यूल में लगाना। तो ब्लूटूथ मॉड्यूल में इजीली लगा सकते हैं। तो इसमें भी लिखा हुआ है सारा चीज़, आप देख पा रहे होंगे, लॉट गैंड गो अगेरा वगैरह सभी चीज़, ग्राउंड लेफ्ट राइट अगेरा वगैरह सभी लिखा हुआ है, प्लस माइनस सब देख पा रहे होंगे लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप उस हिसाब से समझ जाएगा। तो इधर जो दो पॉइंट रहता है वो रहेगा आपको बैटरी वाला, और इधर जो जिनका लेफ्ट राइट में जोड़ दीजिएगा। ठीक है, इसमें देख पा लूंगे दोनों साइड वाला जो है लेफ्ट राइट रहता है, और बीच का जो है ग्राउंड रहता है, कॉमन रहता है। ठीक है, और यहाँ पे जो है इधर साइड का जो है फर्स्ट रहता है वो ग्राउंड रहता है, यानी माइनस रहता है, और उसके बाद जो है प्लस रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ इस टाइप से मैंने कनेक्शन कर दिया, आप सभी देख के समझ के कर लीजिएगा। आगे काम आप करना क्या होगा, आपको एक स्विच लगाना होगा, स्विच लगा दीजिएगा जिससे आप ऑफ ऑन ईजिली कर सकते हैं। तो चलिए इसमें स्विच जो है लगा देते हैं।
फिनिशिंग देने के लिए आपको चाकू का मदद लेना पड़ेगा। चाकू का मदद मैं लेके यहाँ पे फिनिशिंग कर दूँ। अब इस पर सिंपली जो है कनेक्शन करना जो है होता है आसान। स्विच का कनेक्शन कैसे किया जाता है आपको पता ही होगा। वैसे मैं बता दूँ कि एक तार जो है आपको बैटरी से लेना होता है और एक तार जो होता है जिस सामान में आप लगाना चाहते हैं, यानी एक सामान सप्लाई से लेना पड़ेगा और आगे के जो सामान में लगाना चाहते हैं उसमें लगाना पड़ता है। तो मैं यहाँ पे एक बैटरी के कनेक्शन ले लेता हूँ और एक जो है ब्लूटूथ मॉड्यूल से जो है कनेक्शन ले लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि उसमें जो है लाइन देना होता है। ठीक है, तो सिंपली जो है कनेक्शन है आप सभी एक बार देख लीजिए, अच्छे से मैं दिखा रहा हूँ आपको। सारा कनेक्शन जो है आसानी से किया हुआ है, देख पा रहे हो जो है आउटपुट वगैरह वगैरह सारा चीज इस पर लिखा हुआ रहता है। आप सिंपली देख देख के कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एक बार सिंपली अच्छे से दिखा देता हूँ जिससे ये सभी ऐसे होता है। ठीक है, तो चलिए आगे के काम में और लेते हैं। यहाँ पे आगे काम क्या होगा, इसका जो हेडफोन को जो थोड़ा बांध उन दीजिएगा, क्योंकि डबल टैप से चिपका उपका के क्लियर करके, ठीक है, जिससे इधर घीचे उच में घिचाए ना, ठीक है, तो इसलिए कंप्लीट कर दीजिएगा। थोड़ा सोल्डिंग की मदद से वहाँ से तार निकालने वाला मैं बना लेता हूँ, उसके बाद जो ऊपर से इसको चिपका देता हूँ। ठीक है, चिपकाना भी ईजिली है, चिपका के उसके बाद स्ट्रेस पेपर से अच्छे से आराम से फिनिशिंग कर दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे चिपका देते पहले, उसके बाद फिनिशिंग कर देंगे। फेविक्विक ईजिली यूज़ कीजिएगा, 5 रुपया से कम का फेविक्विक, थोड़ा फेविक्विक लगता है चिपक जाता है। ठीक है, प्लास्टिक चिपकाने में उतना मतलब प्रॉब्लम नहीं होता है, आराम से चिपक जाता है। फिनिशिंग होने के बाद उसके बाद चेक करेंगे। ठीक है, यहाँ पे स्ट्रेस पेपर से आराम से अच्छे से कर दीजिए जिससे एकदम लगे कि मार्केट से खरीद के लाए। ठीक है, यहाँ पे जो कुछ इस टाइप से फिनिशिंग गजब से हो चुका है। आप देख पा रहे हो इधर से जो है चार्ज कर सकते हैं, उधर से आप सुन सकते हैं। ये थोड़ा बड़ा बॉक्स हो जाता है, थोड़ा बड़ा बॉक्स हो जाता है, उतना बड़ा भी नहीं है, लेकिन आप इसे छोटा भी बना सकते हैं, क्योंकि मुझे लगा क्या इसमें अटेगा इतना ही, इसलिए मैंने बनाया। तो चार्जिंग चेक करते, चार्जिंग गजब, यानी उठा लिया चार्ज, डेट बढ़ रहा है और फुल हो जाएगा तो आपको इसमें दो मतलब एक ब्लू बढ़ेगा। ठीक है, तो आगे चेक करते ये कैसे बजता है। ठीक है, अच्छा बजता है कैसे, या वैसे हेडफोन के मुताबिक आपका बेस कैसा है सारा चीज़ रहेगा, बट इसमें मटेरियल सही से लगाया गया है तो अच्छा ही आवाज़ होगा। तो चलिए इसकी भी चेकिंग कर लेते हैं। ठीक है, करने के लिए आपको पहले इसका जो है ऑन करना पड़ेगा। ऑन करते हैं पहले, ठीक है, ऑन कर लेते हैं, उसके बाद पता चलेगा। जो है यहाँ पे रखता हूँ, ठीक है, जिससे आप सभी को चेक हो पाए। तो यहाँ पे जो है ऑन करते हैं। ठीक है, ऑन करने के बाद एक मैं कान में लगा के देखता हूँ ऑन हुआ है कि नहीं। ठीक है, ये हो चुका है, आपको कुछ हल्का बहुत जो है सुनाई पड़ रहा होगा। ठीक है, तो इसको जो है चेक करने के लिए यहाँ से ब्लूटूथ जो है मोबाइल में खोल लेते हैं। ऑटोमेटिक कनेक्ट हो गया क्योंकि मैंने पहले से ही कनेक्ट किया हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आगे के काम करना क्या होगा, कोई भी चीज़ में यहाँ पे सॉन्ग या कुछ भी चीज़ प्ले करके देखता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे वाइज यही मैं प्ले करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जो है प्ले हो चुका है, आपको सुनाई दे रहा होगा, मैं थोड़ा अपना बंद कर लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे देखिए आवाज़ जो है क्लियर आप सभी को आ रहा होगा। ठीक है, और इसे वॉल्यूम जो ज़्यादा देना चाहते हैं तो आपको जो है लेना पड़ेगा इससे ज़्यादा पावर का, जो जिसमें ज़्यादा वॉइस हो आपको इससे भी ज़्यादा वॉल्यूम मिल जाएगा, जैसा हेडफोन होगा आपका उस हिसाब से। लेकिन इसमें जो वॉइस अच्छी खासी आ रही है, तो उम्मीद है आप सभी को पसंद आएगा। तो अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक फॉर वॉचिंग, वंदे मातरम।